नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IFC नॉलेज के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स निकल कर आ रही है। दोस्तों जहां एक और पिछले एक महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, वहीं दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज सोमवार को भी लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी खबर को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोमवार को आज पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ा दी गई है और अब चार महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी हो गई है। वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स ये निकल के आ रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की बात हो गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो दोस्तों 50% तक टैक्स कम हो जाएगा और जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें 40 रुपए से 50 रुपए के बीच में आ जाएगी। दोस्तों पूरी डिटेल से हम इसमें आपको खबर बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल IFC नॉलेज पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा दोस्तों, वो भी दबा लीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप किसी भी जानकारी भरी वीडियो से वंचित नहीं रह पाएंगे, हर न्यूज से अलर्ट और अपडेट रहेंगे। दोस्तों अब आपका ज्यादा समय जाया न करते हुए जल्दी से मैं आपको खबर बता देता हूं कि मोदी गवर्नमेंट की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स निकल कर आ रही है। जीएसटी के लिए क्या बोला है सरकार ने कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतें बता देता हूं आज की। तो आप यहां पर देख सकते हैं तेल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी बदस्तूर जारी है। 1 अगस्त से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने का यह सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद से रोजाना उसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। केवल 13 अगस्त को इसकी कीमत में गिरावट देखने को मिली थी। वहीं आज देश की आर्थिक नगरी मुंबई में पहली बार पेट्रोल के दाम 90 के ऊपर पहुंच चुके हैं। दोस्तों रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ा ही सही लेकिन इजाफा हो रहा है। जनता सरकार से तेल की कीमतों पर राहत देने के लिए लगातार विरोध दर्ज करा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तेल की कीमतों में होने वाली इस बढ़त के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना भी एक वजह है। रविवार को भी तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों आज की बात करें सोमवार को, तो आप यहां देख सकते हैं सोमवार को 11 पैसे पेट्रोल में और डीजल में 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल 82.72 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं डीजल की बात करें तो 74 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 90 रुपये 8 पैसे पेट्रोल है और डीजल 78 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में 84 रुपये 54 पैसे पेट्रोल है और डीजल 75 रुपये 87 पैसे है। जबकि चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 85 रुपये 99 पैसे पेट्रोल है, लगभग 86 रुपीज, और डीजल की बात करें तो 78 रुपये और 26 पैसा प्रति लीटर वहां पर डीजल है। अब दोस्तों जीएसटी के ऊपर सरकार ने क्या बोला है वो देख लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं पेट्रोल डीजल को सस्ता करने के लिए जीएसटी हुआ तय, सरकार का ऐलान बाकी, सुशील मोदी ने यह कहा। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, तेल की ऊंची कीमतों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जीएसटी पर मंत्री समूह के चेयरपर्सन सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पेट्रोल उत्पादों पर जीएसटी की दरें तय की जा चुकी है, बस तारीख का ऐलान बाकी है जब से यह लागू होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 28 सितंबर को होगी, लेकिन इसमें पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई चर्चा नहीं होगी। यह सरकार को तय करना है कि वह कब से पेट्रोल डीजल की को जीएसटी के अंदर लेके आएगी। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, अभी राज्य और केंद्र मिलकर डीजल पेट्रोल पर 50% टैक्स लगाते हैं। अगर ये जीएसटी के अंदर आ जाता है तो ये टैक्स सारा कम हो जाएगा, लगभग 5 से 10% रह जाएगा और इस बिहाव पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग 40 से 50 रुपए के बीच में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों सरकार की यह कदम जल्दी उठाए, सरकार जल्दी से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर में ला दे तो आम जनता को इससे राहत मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।